कोई भी साथी खड़ा ना है, सभी से मेरा निवेदन है सारे साथी बैठ जाओ आराम से। और मैं आगे की कार्रवाई के लिए निवेदन करूंगा वीरेंद्र सिंह जी डुलाना से, ये सारे साथी बैठ जाओ, खड़े ना रहो यहाँ, बैठ जाओ सारे। खासकर सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आपका अपना कार्यक्रम समझ के इसको सुचारू रूप से चलाते हुए आप शांति बनाए रखें और कृपया बैठ के अपने प्रिय नेता के विचार सुने। सभी साथियों से निवेदन है प्लीज कृपया शहर में मेरे सामने जितने भी साथी हैं वो कृपया शांति से बैठ के आपके अपने प्रिय नेता के विचार सुने। देश की युवा दलों की धड़कन और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य संघर्ष के साथी किसान पुत्र जिन्होंने आपकी आवाज को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में अपनी सिंह गर्जना से, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई मनोज झू युवा साथी युवा हल्का के प्रधान भाई मनोज झू आए और अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करें। भाई मनोज झू हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के युवाओं के दिलों की धड़कन और हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में बैठे हैं, तो हम इनका हमारे पूरे क्षेत्र की तरफ से महेंद्रगढ़ भिवाड़ी लोकसभा क्षेत्र की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। हो गए इसके लिए भी मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आज दुष्यंत चौटाला जी को सुनने के लिए आप आए। मेरी तो आपसे झूक गांव के आसपास के लोगों से एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो मुहिम लेकर चौधरी देवीलाल के अधूरे सपने लेकर जो चले थे, उस राय पुलिसपुर से लेकर चंडीगढ़ तक आप लोग हमारे साथ पैदल चले थे, झूक गांव के इस महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोग वो अधूरे सपने रह गए थे उनको पूरा करने के लिए आज आपके बीच में साक्षात चौधरी देवीलाल बैठे हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे झूक गांव के नौजवान दोस्तों, मेरी माता और बहनों, इसको अपना आशीर्वाद दीजिए, ये हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा दुष्यंत चौटाला, उस दिन इस गांव के रहने वाले कमेरे किसान और नौजवान की जो चौधरी देवीलाल के मन में एक पीड़ा थी कि गांव में रहने वाला मेरा कमेरा किसान बड़ा परेशान है, उसकी कमी को दूर कर सकता है तो दुष्यंत चौटाला कर सकता है। यहाँ पहुँचने पर आदरणीय सांसद जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा और विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा भाई मनोज जी झूक का, जिन्होंने लगातार 3-4 दिन से आपके बीच में आपके घर घर जाकर मेहनत किया। सभी साथियों का, भाई राज कुमार जी का, अजय सिंगड़ा का, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करूंगा भाई रमेश यादव पाल्डी जी के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी सरोज जी पाल्डी का और हमारी बिटिया सुष्मिता पाल्डी का, जिन्होंने दोनों गाँव में खेड़की में भी और झूक में घर घर जाकर अपने अथक प्रयास से इस मातृशक्ति को यहाँ पे लाने का काम किया। तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कंवर सिंह करवाड़ी जी, हमारे जिला के जिला प्रधान भाई सतवीर मोहताना जी, आगमन पर समस्त ग्रामवासियों और हल्के की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं मेरी माताओं बहनों का, मेरे बुजुर्गों का कि 11 बजे से लगातार आप यहां पे बैठे हुए। मेरी काफी माताएं बहनें उठ करके चली भी गई क्योंकि हमें ये थी कि 11:30-12 बजे तक भाई साहब यहां पहुंचे। पूरे गांव की तरफ से जोरदार तालियों के साथ कार्यों में कड़कड़ाहट होनी चाहिए, माताएं बहने जरा गौर से तालियां जोड़ा स्वागत माननीय श्री भूषण जी चौटाला। मेरी माताएं बहने युवा साथी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, इस तपती दोपहरी में भी इतना इंतजार आप लोगों ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर पर माताओं बहनों का, क्योंकि रोटियों का टाइम और रखा तो चूल्हा भी जलाना है, पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज, तो आपके बीच
रानी महेंद्रगढ़ के अंदर आपने कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, और इस 10 साल के राज में एक बार भी क्या आपने पार्लियामेंट में अपने क्षेत्र की आवाज उठती सुनी? किसी ने एक बार भी खड़ा होकर इन दोनों एमपी ने यह कहा कि वे पानी ले आके देंगे? एक ने कहा कि हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर रोजगार के साधन बढ़वाने, तो एक बार भी कहने वाला मिला हो कि हमारे दो दो महीनों से तीन तीन महीनों से बूढ़ों की पेंशन नहीं आती, पेंशन पहुंचवा दो? आज तो ऐसे लोग सत्ता में आ गए, किसान मर जाए मगर इनने जो पार्टी कहेगी उसको देखते हुए पार्लियामेंट के अंदर एक आवाज भी इस इलाके की उठाई। वो तो मुझे कई बार टोकते थे लोग कि तू इतना क्यों बोलता, मुझे ये बताओ अगर मैं बात ना रखता तो क्या हरियाणा की बात को कोई पार्लियामेंट में और रख नहीं आता? और अगर आप चाहते हो कि दस दुष्यंत जैसे जाके बैठे जो फिर ये बताए कि ड्यूब के अंदर पानी की समस्या है, अपने एमपी लैंड से पानी का टैंकर गांव को दे कि शादी ब्याह में कोई प्रोग्राम में और में टैंकर काम आए, ऐसी व्यवस्था करे, तो उसके लिए आपको पहले खुद में परिवर्तन आ रहा है। अपने तो धर्मे का इलाका है, चुगाई होती है, एक बार दो बार तीन बार चुगाई करने के बाद भी कोई कच्चा टींडा रह जाता है, छत पे लाके सुखाते हैं, इसी सोच के साथ सुखाते हैं कि चार दिन में दस दिन में फुटारा आ जाए। आज ये कांग्रेस में बैठे हैं, बीजेपी में बैठे हैं, कोई एक आधा लोकदल में भी रह गया हो, इन्हें क्यों छोड़ो? एक गेड़ा मारोगे, पांच मारोगे, दस मारोगे, 38 दिन है, ये गारंटी के साथ तो फुटारा जरूर आएगा और आपके वोट बनेंगे, पर वो जब बनेगा जब आप लोग मैदान में उतर के काम करो। लोकसभा के चुनाव है 12 मई को और आपके बीच में शायद मेरे को 10 साल पहले आने का मौका मिला, जब एक 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 गांव का दौरा कर आप सबको जोड़ा था, और उस समय मेरे को याद है कि इस महेंद्रगढ़ जिले ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जिताकर भेजने का काम किया। अब दोबारा वही समय आ चुका कि उसी मेहनत और लगन के साथ हम पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करें, पर पार्टी कब मजबूत हो जब यहां बैठा एक एक आदमी अपने आप को पार्टी मांगे। अगर आप ये कहो कि अकेले दुष्यंत के सोचने से और मेहनत करने से पार्टी मजबूत होगी तो यह आपका भी वहम है, मेरा भी वहम। अगर आप ये सोचो पदाधिकारी मंच पे बैठेंगे ये अकेले पार्टी चलाएंगे तो ये आप सबका वहम। पार्टी जब ही बढ़ती है जब कार्यकर्ता मेहनत करते, कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी है। चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे कि राजनीति में सरों की गिनती, जैसे बूंद बूंद समंदर बढ़ता है वैसे एक 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 वोट जुड़े राज आता है। और अगर राज लाना चाहते, अगर आप परिवर्तन देखना चाहते हो तो फिर ये आप सब की जिम्मेवारी है कि अगले 38 दिन दिन रात एक चक्कर मेहनत। इस बार तो समय भी पूरा मिल गया और ऐसी तपती दोपहरी में समय मिला है कि मेरे ख्याल से अपनी पार्टी को छोड़ के इतनी गर्मी में प्रोग्राम में कोई ऐसा नहीं कर देगा, नहीं करेगा कोई। ये कांग्रेस बीजेपी वाले तो रथों में आएंगे, एसी और अंदर बैठे भाषण देंगे चले जाएंगे, ये इनके बड़े बड़े कूलर लगाने पड़ेंगे, मगर इस लावड़ी के समय में भी जो प्यार आपने दिखाया, खेत छोड़कर भी आज आए करते थे, इस पे मोर मार दी आप लोगों ने कि आप बदलाव चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि मेरी काकी तो हरी पीली बैग पहने बैठी है और इधर देख लो बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी चप्पल पहने बैठा है, और देखो नहीं पहले 5 साल पहले बात करी गई थी मोदी जी द्वारा, अच्छे दिन आएंगे, काला धन पकड़ा जाएगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। आप खुद देखो 5 साल में एक बार किसी के 15 रुपए की बात मोदी ने करी? नोटबंदी लाए, नोटबंदी वाले समय मंच से खड़े होकर कहा कि काला धन पकड़ेंगे,
आज नवंबर 2016 सब को याद है, दो महीने बैंक की लाइनों में सारे खड़े हुए, मगर आप नोटबंदी का असली डाका किसके ऊपर मोदी ने मारा? ग्रामीण अंचल के लोगों पर मारा। आप सबके पैसे बैंक में डलवा दिए, और मोदी ने असली सर्जिकल स्ट्राइक किस पे करी? ये हमारी ताई बैठी, दादी बैठी, इनके कोई हारी मारी के 2-4 हजार छुपोए हुए थे, वो देश आके पोल पट्टी खुलवा। इस बार बदला लेने का मौका आ गया, वो 2-4 हजार लुटनी है ना, कमल का फूल लेके आएगा। उसने जवाब दियो पीडीओ के सारे, चुनाव चिन्ह मेरा चल गया नहीं चला, सौ साल के बूढ़े से 2 साल के बच्चे तक के पाव में एक ही चीज मिलेगी, वो चप्पल। कभी बुराई नहीं करती, बुराई के ऊपर असरस्ता आसान करती। आज हम बात करें चप्पल के इतिहास की, तो भगवान श्री राम जब अयोध्या से वनवास पे गए थे, तो 14 साल उनके खड़ा उनकी चप्पल ने राज चलाने का काम किया। जब हमने पार्टी जननायक चौधरी देवीलाल के नाम पर रख दिया, ये तो उनके खड़ा हुआ हमें चुनाव चिन्ह में मिलकर जो रस्ता प्रदेश में दिखाए, जो दिखाएंगे हरियाणा को कैसे विकास की ओर लेकर चलना, पर वो जब ही मुमकिन होगा जब यहाँ बैठा एक एक साथी ये संकल्प लेकर जाएगा कि हमने परिवर्तन लेकर आना। मैं तो आपको ये विश्वास दिला सकता हूं, जैसे चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि बूढ़े मरना चाहिए पेंशन बंद हो, मैं तो युवा साथियों को कह सकता हूं 37 दिन है, 380 दिन जितनी मेहनत कर दे, कमर कसले थकना जाइए, जिस दिन प्रदेश में राज आएगा हर फैक्ट्री में 75वां हिस्सा आपका बनाएगा। और मैं बूढ़े बुजुर्गों को कहना चाहूंगा, जहां पेंशन की बात है, आज तो ये हालात है 2-2, 3-3 महीने पेंशन नहीं मिलती, उसके बाद बैंक में जाना पड़ता है। इस बार मौका है राज बना दे, जहां बुजुर्गों की पेंशन 58 साल है, महिलाओं की पेंशन 55 साल की उम्र पर हम देने का काम कर रहे हैं, और व्यवस्था ऐसी बनाएंगे जो खट्टर वालों को नहीं पता कि बुढ़ापा पेंशन जैसे चौधरी देवीलाल ने वापिस घर घर पहुंचाई थी, वैसे घर घर पहले हफ्ते के महीने में पहुंचाने का भी काम करो। ये तमाम चीजें चुनाव प्रचार में आपके सामने आएंगे, मगर उससे पहले साथियों 37 दिनों के अंदर पार्टी का प्रचार करना, जहां हमें एक बूथ पे 10 युवा साथी ढूंढने, वही दूसरी ओर एक एक युवा साथी को अपने साथ जोड़कर आगे ले जाने का भी काम करना, और वही दूसरी ओर जब चुगाई करो तो फिर एक एक वोट को अपने साथ जोड़कर पार्टी का सदस्य भी बनाना। आप पे कोई दबाव नहीं है 25 रुपए की 30 रुपए की पर्ची कटवानी, मैं एक चीज बोल सकता हूं, जहां मेंबरशिप की बात आती है, आपकी पार्टी के अंदर चौधरी देवीलाल की सोच को हमने आगे लेकर चलने का काम किया है, और एक वोट और एक नोट के साथ, और नोट अगर नियत से ढूंढो तो 1 रुपए का भी मिल जाता है, मैं हिस्सेदारी पार्टी में डालो, पार्टी में हिस्सेदारी होगी तो अपने आप का राज होगा, तो मेंबरशिप वाला फॉर्म दिखा के तो कह सकते हो पार्टी राज में मेरी वजह से आए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जैसे संघर्ष किया था, आपके तो पड़ोस के राय मलिकपुर से चंडीगढ़ तक गए, और ऐसा परिवर्तन उन 31 दिनों में आया कि जो आज घोषणा करी, जैसे मुनीम भाई खाता लिखता भूपेंद्र हुड्डा अगले दिन उसको अनाउंस कर देता, ऐसी हालात बना दो कि जो लोग गरीब को कमेरे को लूट रहे इनको जवाब दो। कहते हैं किसान की आय दुगनी कर दे, आज 5 साल राज मेरे लिए दिया क्या किसान, पूछने का काम करो कि 3400 रुपए फसल बीमा के भी लेंगे, नुकसान किसको हुआ, आपकी जेब से तो 1400-1500 फालतू लूट के ले गए, अगर इतना ही दानवीर था तो कहता फसल बीमा फ्री है, फसल बीमा का प्रीमियम अब सरकार भरेगी, पर साथियों नहीं, इनने तो किसान को और कमजोर करना है, उसकी आय दुगनी नहीं कर्जा दुगना करना है। आज नंदगढ़ की मंडी की हाल देखो, लाइन लगी हुई है, किसान फर्द लेके पटवारी की मोर मरवा के आ रहा है, क्यों, सरसों की खरीद 4200 में प्रत्येक एकड़ 6 क्विंटल और 25 क्विंटल से ज्यादा किसी किसान की नहीं देती, मुझे ये बता दो अपराध क्या है किसान का। चौधरी देवीलाल जी तो ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान का भी बाजरा और सरसों लाके मंडी में खरीद लेते थे,
अगर वो हालात थी और एक एक दाने की खरीद थी तो परिवर्तन लेकर आओ। ऐसे लोगों को सत्ता में ना ला जो लोग केवल मात्र जात पात धर्म मजहब का जहर फैलाकर आपको आपसी में बांटने का काम करें। और मैं तो मेरी दो बहनें हैं पानी पिला रही, इनका धन्यवाद एक बार ताली बजाकर सेवा करी यार। और मैं माताओं से दोबारा इनका धन्यवाद करूंगा और एक चीज कहना चाहूंगा, वोटों का आधा हिस्सा आपका है 50%, हो मारे 50% है थारे 50%, मारे वाले तो चौक पे भाषण दे देंगे डोर टू डोर कर देंगे इतने में वोट मांगेंगे, और आपके वोट जो है वो चूल्हे पे रोटी बनाते हुए भी मांग सकते हैं। तो इस बार अपनी हिस्सेदारी डालो, आधी हिस्सेदारी आपकी है, पार्टी में सदस्य बन के जुड़ो। जब महिलाएं जुड़ेंगी और आधा % आबादी आधी आबादी साथ संकट के खड़ी होगी तो परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन ही जननायक जनता पार्टी का इस प्रदेश में राज बनाने का काम करेगा। मैं तो दोबारा पूरे ग्रामवासियों का और खास तौर पर महेंद्रगढ़ हल्के की हमारी टीम का आभार प्रकट करता हूँ। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, जहां से शुरुआत होती है बच्चे के उज्जवल भविष्य की। श्री कृष्णा स्कूल ने दिए हैं बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सैनिक, वैज्ञानिक, अध्यापक और इसके साथ साथ ही प्रशिक्षित कोच और बेहतरीन खेल सुविधाएं। श्री कृष्णा स्कूल है महेंद्रगढ़ का एकमात्र सेल स्मार्ट स्कूल। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो आइए हमारे साथ एक नई शुरुआत के लिए श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें 9017111100, 9416704560। हमारी वेबसाइट है www.sks.gov.in।